नमस्कार सभी को तो हम स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक कर रहे थे जो हमारा बिल्कुल इंट्रोडक्शन चैप्टर है स्टैट्स का क्लास 11 जिसमें हम फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस कर चुके हैं सो आज हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ठीक है सो so, बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं सो फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है कि भाई स्टैट्स का क्या, क्या क्या काम होता है तो इसके बारे में हम अगर अब देखना चाहें कि भाई स्टार्ट्स आखिर कौन कौन सा काम करता है ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे स्टार्ट से की जा सकती है तो हम इस टॉपिक को समझने की उसी हिसाब से कोशिश करेंगे सबसे पहला हमारा जो स्टार्ट्स का फंक्शन है वो है स्टैटिस्टिक सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा यानी जितने भी कॉम्प्लेक्स डेटा हैं जितने भी कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स हैं उनको सिंप्लीफाई करने में आसानी होती है इसका हम एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं अगर आपको छोटी क्लासेस में अगर आपने स्टार्ट पढ़ा हो तो आपके जो अगर रॉ डेटा की हम बात करें डेटा का मतलब था टेलीबार्स आपने सीखा होगा टेलीबार्स में हम क्या करते थे कि लेट्स सपोज मेरे पास कोई डेटा अवेलेबल है बच्चों के मार्क्स अवेलेबल हैं और वो मार्क्स कुछ इस तरह से हैं कि किसी के फाइव आए हैं किसी के सिक्स हैं किसी के सेवन हैं टेन ते, मार्क्स का टेस्ट है फोर है और किसी बच्चे के फोर आ गए थ्री है टू है टू और भी बहुत सारे बच्चों के इस तरह से अगर हमें नंबर्स गिवन है मार्क्स गिवन है मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ तो आप इस इस वाले में क्या करोगे आप इसमें टैली बार्स बनाओगे वही कौन कौन से नंबर्स रिपीटेड हैं वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है सिक्स है सेवन है एट है सो वन so कितनी बार रिपीट हो रहा है वन हमारा टू टाइम्स रिपीट हो रहा है टू हमारा कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है ये भी टू टाइम्स रिपीट हो रहा है जो हमारा ये फ्रिक्वेंसी हो जाता है और ये हमारे मार्क्स हो जाते हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद आ गया होगा आपने किया है कभी ना कभी मैथमेटिक्स में राइट right? सो so, आपने क्या देखा ये जो एक तरह से हमारा पूरे पैराग्राफ में ये तो अभी मैंने सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए हैं अगर यही डेटा लेट्स कि पूरी कंट्री में जैसे हमने बहुत बार एग्जाम्पल देखा है कि पूरी कंट्री में या पूरे दिल्ली में हम देखना चाहते हैं कि लोगों की इनकम क्या है तो करोड़ों में पॉपुलेशन है अगर करोड़ में पॉपुलेशन है सो इसका मतलब आपका क्या होगा कि करोड़ में पॉपुलेशन में हमारी बहुत सारी जो चीजें होंगी वो आपका इतने सारे लोग होंगे इतने सारे लोगों की इनकम होगी सो हम उस चीज को कैसे टैकल करेंगे तो स्टार्ट हमारा क्या करेगा वो एक कॉलम बनाएगा और वो इस तरह से टेलीमार्क्स टेली टेलीमार्क्स बनाएगा कि लेट्स सपोज अगर मैं एक इनकम का एग्जाम्पल देके समझाऊ आपको तो टेलीमार्क्स किस तरह से बन सकते हैं वो लिख सकते हैं कि लेट सपोज कि हम ये करें कि जीरो से लेकर ट्वेंटी थाउजेंड पर कैपिटल यानी लोगों की इनकम है ये कितने लोगों की इनकम है यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल आ जाएगा कि जीरो से बीस हजार इनकम जो है वो कितने लोगों की है इसी तरह से हम नेक्स्ट इंटरव इंटरवल बना सकते हैं कि बीस से लेकर पचास तक हम देखेंगे कि कितने लोगों की इनकम है फिफ्टी थाउजेंड से 75 या 70 जैसे भी हमें फिजिबल लगे कितने लोगों की इनकम है इसी तरह से अगर आपका टू एटी से लाख जा सकता है है ये 80, है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एंड हम बाद में लिख सकते हैं अबव वन लाख लिख सकते हैं कि पर मंथ कितनी इनकम है पर मंथ उनकी इतनी इनकम है या नहीं है अब लाख कितने लोगों की है। इस तरह से आपका डेटाबंस एक तरह से जो डेटा होगा इस तरह से यहाँ पर बहुत हजार क्योंकि करोड़ों में पॉपुलेशन है तो यहाँ पे लाखों में यहाँ पे लोग होंगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि इतने सारे जो लोग हैं वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं मान लो कि यहाँ पे पचास हजार लोग हैं मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ मान लो कि पचास हजार लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम जीरो से लेकर बीस हजार रुपए के बीच में है पर मंथ ठीक है तो इसका मतलब ये देखेंगे कि पचास हजार लोग जो है उनकी इनकम अप्रोक्सीमेटली उनका इंटरवल ये है तो इसी तरह से बीस से पचास हजार में अगर हम देखें तो लेट सपोज यहाँ पे तीस हजार लोग हैं ठीक है बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है मैं करोड़ों की बात भी नहीं कर रही हूँ हम देख सकते हैं उस हिसाब से हम एग्जाम्पल देखने की कोशिश कर रहे हैं सो so, इस तरह से क्या हुआ अब अगर आप देखो कि पचास हजार और तीस अस्सी हजार लोगों का डेटा ऐसे ही अवेलेबल होता है रैंडम फॉर्म में जैसे ये फॉर्म अवेलेबल है कि इस हाउस होल्ड की इतनी इनकम है इस पर्सन की इतनी इनकम है अलग अलग होता तो वो आपका क्या स्टडी करना ईजी होगा उसको इस फॉर्म में लेकिन अगर इस फॉर्म में अगर हम इंटरवल्स में आपका टेबल्स बना दें, टैली बार्स बना दें, तो हमारा उस चीज को एनालाइज करना उस चीज को स्टडी करना उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा ठीक है सो so, यही हमारा फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है हमारा फर्स्ट पॉइंट ये कहना चाहता है दैट स्टैटिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स डेटा डेटा इवन इफ समथिंग इज डिफिकल्ट बहुत सारे अवेलेबल है लाखों करोड़ों लोगों की डेटा अवेलेबल है वो इस तरह से उनको प्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से ग्राफ वगैरह में टेबल वगैरह में उसको प्रेजेंट किया जा सकता है कि उसको स्टडी करना ईजी हो जाता है ठीक है सो इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा नेक्स्ट इस्टोवाइड ऑफ कम्पेरिजन स्टार्ट से कम्पेरिजन किया जा सकता है भाई अब कंपेरिजन कैसे करेंगे क्या यहाँ पे कंपेरिजन किया जा सकता है इस इसको भी फिल ही कर देते हैं यहाँ पे लेट सपोज ये बीस हजार लोगों की इतनी इनकम है पंद्रह हजार लोगों की इतनी इनकम है दस हजार लोगों की इतनी इनकम है और मैं यहाँ लिख रही हूँ कि पाँच हजार लोगों की इतनी इनकम है मैंने ऐसे रैंडम कोई टेबल बना दिया है यानी अब क्या इसमें कंपैरिजन करा जा सकता है बहुत इजीली कंपैरिजन किया जा सकता है कि इकोनॉमी में फिफ्टी थाउजेंड जो लोग हैं मैक्सिमम लोग हैं वो लोअर लेवल ऑफ इनकम अर्न कर रहे हैं इसके बाद केवल ऐसे कुछ ही लोग हैं जो अब वन लाख पर मंथ इनकम अर्न कर रहे हैं सो so ये शो करता है कि एक तरफ तो कई लोगों की इनकम एक लाख से भी ज्यादा है जिनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है और कुछ लोगों के पास बेयरली ऐसे इनकम है जो अपनी वो बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर पा रहे हैं सो दिस शोज द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अनईक्वल है या इक्वल है

दिल्ली के बाद अगर लेट सपोज हरियाणा हमारे पड़ोसी है स्टेट तो अगर उसका डेटा कलेक्ट किया जाता है तो हम वहां पे उसका डेटा लिख सकते हैं इसी तरह से हम बाकी स्टेट्स का लिख सकते हैं लेट सपोज पंजाब है या केरला है केरला वन ऑफ द बेस्ट स्टेट का एग्जांपल है इंडिया में सो so, केरला के डेटा लिख सकते हैं एंड uh, इस तरह से डेटा लिखने के बाद डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के डेटाज अवेलेबल होंगे कि इस कि लेट सपोज केरला में ये रेशो सिर्फ तीस है ठीक है और ओवर फाइव लाख वाले में ज्यादा लोग हैं यानी ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि दिल्ली में ऐसे लोग ज्यादा हैं जिनको कम इनकम मिल रही है जबकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बहुत कम कंपैरेटिवली कम लोग हैं जिन्हें कम इनकम मिल रही है इसी तरह से बहुत सारे कम्पेरिजन किए जा सकते हैं जो एक ता, 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 जब उसको सिंपलीफाई किया जाएगा और जब वो डेटा एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगा एक सिंपल फॉर्म में आ जाएगा और उससे प्रिडिक्ट इंटरप्रेट करना बहुत आसान हो जाएगा ठीक है so, सो इसीलिए आपका कहा गया है हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो सेकेंड पॉइंट आपका यही है कि स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स अ टेक्निक ऑफ इसी तरह से हम एवरेजेस कम्पेयर कर सकते हैं रेशियोस निकाल सकते हैं परसेंटेज कंपेयर कर सकते हैं बहुत सारे टूल्स होंगे बहुत सारी चीजें होंगी जो बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे उनका कंपेरिजन करना आसान हो जाता है ठीक है एक और एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे देखू बिना टेबल का अगर आप क्रिकेट देखते हैं सो आपको दिखता होगा कि जब आ, कोई आ, दो टीम खेल रही हैं दो टीम परफॉर्म कर रही हैं सो दोनों टीम का एनालाइज एनालिसिस वाली टेबल आ जाती है कि इस ओवर तक इस टीम का ये स्कोर था और इस टीम का ये स्कोर है इतना चाहिए इतना चाहिए एक टेबल आपको दिखेगा एक आपको ग्राफ दिखेगा वो किसका यूज करके किया जाता है वो स्टार्ट का यूज करके करते हैं सो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कंपेरिजन कर सकता है दोनों कंट्री की परफॉर्मेंस को डेटा को सिम्पलीफाई करेगा जो आपको देखना और समझना आसान हो जाएगा ठीक है अब अगर हमारे पास चीजें आसान हो गई हैं तो उन डेटा का इस्तेमाल करके हमारी जो सरकारें हैं जो बिजनेसमैन हैं जो भी लोग हैं कंसर्न लोग हैं कंसर्न अथॉरिटी है वो पॉलिसी बना सकती हैं अगर मुझे डेटा पता नहीं होगा चीजें पता नहीं होंगी तो मैं पॉलिसी कैसे बनाऊंगी कि अगर मान लो कि कोई गवर्नमेंट आई है तो वो पहले ये देखेगी ना कि हमारी कंट्री की परेशानियां क्या है हमारी कंट्री में पावर्टी है तो किस स्टेट में ज्यादा पावर्टी है डेली में अगर इतने लोगों को कम इनकम मिल रही है बिकॉज दे आर कैजुअल वर्कर्स जो डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं और बहुत सारी पॉपुलेशन है माइग्रेशन की वजह से दूसरे दूसरे स्टेट के लोग यहां पर आते हैं तो यहाँ पे ओवरबर्डन हो चुका है जिसकी वजह से आपका यहाँ पर कई सारे लोगों को इनकम कम मिल रही है और वो

स्टार्ट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग यानी जो स्टार्ट है वो किसमें हेल्प करता है फोरकास्टिंग में फोरकास्टिंग का मतलब है भविष्यवाणी करना यानी कोई भी चीज पहले से प्रिडिक्ट करना तो प्रिडिक्शन आपने आ, कई बार मैं वेदर डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रही हूँ जो आपका इवन वेदर डिपार्टमेंट भी कई सारे डेटा इकट्ठा करता है और उसके भी हाफ पर फोरकास्टिंग करने की कोशिश करता है लेकिन अगर आप कई बार मैं आप लोगों ने जो जनरली न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि कुछ सालों में आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ ट्वेंटी फिफ्टी और ट्वेंटी थर्टी की इंडिया की जो पॉपुलेशन है इंडिया की पॉपुलेशन वो चाइना को भी पार कर जाएगी ऐसा न्यूज आता था या आपका कई बार होता है कि इस 2000 ये जो हमारा 2020 बहुत खराब जो साल चल रहा है इसमें आने वाले सालों में जीडीपी की ग्रोथ ऐसी रहेगी जीडीपी इतनी रहेगी इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं सो so ये जो फ्यूचर प्रिडिक्शन है ये फ्यूचर प्रडिक्शन उसी बिहाफ पर की जाती है जब पास्ट डेटा अवेलेबल होता है प्रेजेंट की सिचुएशन को अनाल किया जाता है और उसी हिसाब पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जाता है ठीक है एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी अगर आपको क्लियर नहीं है तो लेट्स सपोज अगर मेरा ये ईयर है और ये ईयर मेरा ट्वेंटी लेट्स इलेवन ले ले लेते हैं ये टू थाउजेंड ट्वेल्व है टू थाउजेंड थर्टीन है टू थाउजेंड फोर्टीन है और यहाँ पे कोई भी डेटा है कोई भी एक्सटेबल है ये वन ज़ीरो टू हो गया है एंड आपका यहाँ पे वन जीरो टू है ठीक है इसी तरह से आपका कितने परसेंट का चेंज आया है टू परसेंट का चेंज आया है यहाँ पर हमारा अगर टू परसेंट का चेंज आया है इसी के हिसाब से अगर हम 10, 102 का 2 निकाले, तो हमारा नेक्स्ट डेटा होगा सो लेट सपोज यहाँ पे टू परसेंट की इंक्रीमेंट आ रही है यहाँ पर भी टू परसेंट की इंक्रीमेंट आ रही है सो so, इससे क्या अंदाजा लगता है कि आने वाले साल में यानी 2015 में 2015 में अगेन ये डेटा अराउंड टू रहेगा इंक्रीज भी हो सकता है और भी सिचुएशन को एनालाइज किया जाएगा सिर्फ इसी के भी हाफ पर नहीं देखेंगे अराउंड टू परसेंट उसकी ग्रोथ हो सकती है ग्रोथ का मतलब है इंक्रीमेंट होना कितने परसेंट से कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है ठीक है जैसे यहां पे वन पॉइंट जीरो टू है तो आपका टू पॉइंट जीरो हो जाएगा टू से इंक्रीज हो रहा है सो दिस विल बी वन जीरो राइट तो आपका 104.4 हो जाएगा अगली बार इसी से का आपका टू परसेंट निकालेंगे वो डेटा इंक्रीज होगा सो so, ये प्रिडिक्ट किया जाता है कर जा सकता है कि 2015 में भी कुछ ऐसा ही रहेगा एंड सो ठीक है सो इस वजह से हम स्टार्ट के प्रीवियस डेटा के हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि आपका आने वाले टाइम में हमारा जो स्टैट्स है वो आपका फोरकास्टिंग किस तरह से हमारे जो डेटा है वो बिहेव करेंगे इसीलिए हम कहते हैं कि फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है और नेक्स्ट है टू एन इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अगर जाहिर सी बात है आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में नॉलेज गेन करेंगे आप इतने सारे मेथड सीखेंगे इतनी सारी चीजें सीखेंगे तो आपकी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ठीक है, so, इस वजह से स्टार्ट के थ्रू हम नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं बिकॉज हमारे पास टेबल्स होंगे हमारे पास फैक्ट्स होंगे हमारे पास डेटाज होंगे जिसका यूज हम अपने स्टेटमेंट को प्रूफ करने में कर सकते हैं इस वजह से हमारे नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हमारा इंक्रीज होगा सो दीज आर ऑल अबाउट यानी डेटा को सिंपलीफाई करता है कंपैरिजन फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन कर सकते हैं पॉलिसीज बनाने में हेल्प की जा सकती है हम फ्यूचर को फोरकास्ट भी कर सकते हैं एंड हमारी नॉलेज भी इससे बढ़ती है ठीक है आई होप आपको फंक्शन समझ आ गए होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें थैंक यू सो मच